अपकमिंग आईपीओस के बारे में जानिए एंजल वन के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम बनाते हैं वीडियोस नए इन्वेस्टर्स से लेकर एक्सपर्ट ट्रेडर्स के लिए। और अगर आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, सो दैट यू कैन कैच मी ऑन एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे। इस साल आईपीओ का सीजन दिवाली के धमाकों और खुशियों से भी ज्यादा हलचल मचा रहा है। दिवाली से याद आया एंजल वन इज कमिंग अप विद समथिंग न्यू दिस दिवाली, सो स्टे ट्यून्ड टू नो मोर। Moving back to our topic, kuch sources ke mutabik, these IPOs might even cross the 100 lakh crore rupees mark isi fiscal year mein. So yes, you guessed it right. Today in this video, I shall share with you details of companies that are planning to be listed. Matlab, kaun si companies hai jo public ko apne shares offer karne wali hai IPO ke through in the month of November 2021. कोविड की वजह से इंडियन इकोनॉमी पर जहां बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, वहीं मार्केट्स ने बहुत पॉजिटिविटी दिखाई है, क्योंकि हमें पता है कि स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। और इसी अपॉर्चुनिटी को बैक करने नवंबर में भी बहुत सारी कंपनीज अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है। चलिए बात करते हैं इन कंपनीज की जो द लास्ट स्ट्रीट डेब्यू नवंबर मंथ में कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, जिसकी आईपीओ साइज 4500 क्रोर्स की रहने वाली है, विच वुड कंप्राइज फ्रेश शेयर्स ऑफ अप टू 1100 क्रोर्स एंड एन ऑफर फॉर सेल बाय प्रमोटर्स एंड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ऑफ अप टू 18 मिलियन शेयर्स। अगला है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। स्टार हेल्थ एक मार्केट लीडर है अमंग इंडियाज प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, जिनका मार्केट शेयर 15.8% है। उन्होंने सेबी को अपना DRHP सबमिट किया है फॉर एन IPO ऑफ 3000 करोड़ रुपीस, कंप्राइजिंग एन ऑफर फॉर सेल ऑफ अराउंड 6 करोड़ इक्विटी शेयर्स एंड फ्रेश इश्यू ऑफ 2000 करोड़ इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट कंपनी कमिंग अप विद इट्स IPO इज CMS Info Systems, जो कि एक वेल नोन कैश मैनेजमेंट कंपनी है जो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कैश पिकअप एंड डिलीवर करने का काम करती है। CMS Info Systems has filed its DRHP of 2000 crores to launch its IPO. Next on our list is Northern Arc Capital with an approximate IPO size of around 1800 crores. ये एक NBFC है, providing its services with over 10 years of experience in its segment. अगली कंपनी जिसका IPO awaited है is Ixigo. ये एक travel company है और इसका IPO size around 1600 crores का रहने वाला है. As of 2021, Ixigo का user base 250 million individuals से भी ज्यादा का है. If we talk about realty sector, we have Shriram Properties, जो एक बेंगलुरु based real estate company है जिनकी IPO size 800 करोड़ की होने वाली है. आगे बढ़ते हुए बात करते हैं MobiKwik Systems के बारे में, जो कि 1900 crores का IPO लेकर आने वाली है. MobiKwik एक leading BNPL और mobile wallet provider है जो कि काफी famous भी है. और MobiKwik इस IPO से $1 billion का वैल्यूएशन एक्सपेक्ट करती है अपनी लिस्टिंग के बाद. नेक्स्ट अप इज पेना सीमेंट्स, विच इज वन ऑफ द लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड इट इज कमिंग अप विद एन IPO ऑफ अराउंड 1550 करोड़ रुपीज. अगर पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी की बात करें तो आती है स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन, जिनके ऑपरेशंस ब्राजील में भी प्रेजेंट है. दिस कंपनी इज लाइकली टू कम अप विद एन IPO ऑफ 1250 करोड़ रुपीज. ऑल्सो ये कंपनी एक 220 करोड़ रुपीज का प्री IPO प्लेसमेंट की भी प्लानिंग कर रही है. अगर SFB सेक्टर की बात करें तो देयर इज जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 2000 में एस्टैब्लिश हुई है एंड कंट्री की लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक में से एक है. द IPO साइज ऑफ दिस SFB इज गोइंग टू बी अराउंड 2000 करोड़ रुपीज. Another SFB is Fincare Small Finance Bank with a likely IPO size of 1330 crores. Fincare एक prominent small finance bank की category में आता है. Lastly, a few other companies likely to come up with their IPO soon could be Studs Accessories with an IPO size of 98 crores, Shri Bajrang Power and Ispat with an IPO size of 700 crore rupees, Raingate Travel Technologies with an IPO size of 1200 crore rupees, ESAF Small Finance Bank with an IPO size of 998 crore rupees, and Arohan Financials with a likely IPO of 1800 crore rupees, amongst others. So this was all about the upcoming IPOs in November, their information and their IPO size. Since ek achha IPO aapke portfolio ka valuable asset ban sakta hai, to aap jis bhi IPO mein apply karne ki soche, ek baar apne financial advisor se zarur consult kariye. Well, thank you for watching the video. I hope you enjoyed learning with us.
Before I leave, you will see a few topic options as a pinned comment. Let us know which one would you like us to cover next in the comments below. And to get regular updates on our upcoming videos, don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.